चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय महाकाल, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। और डेली क्लास आपकी ये दी जा रही है ना, आपकी हिंदी की क्लास है और आपकी डेली क्लास चलती है, बेहतर तरीके से चलती है, ठीक है। चलिए सभी को नमस्ते। आवाज़ वगैरह आ रही है एक बार बता दीजिएगा, सभी लोग एक बार बता दीजिएगा, आवाज़ मिल पा रही है, खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, सभी को नमस्ते। कैसे आप सभी लोग, तबीयत वगैरह ठीक है आप सभी की, स्वास्थ्य वगैरह सही है आप सभी का। चलिए जय महाकाल, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर दिया गया है, आयुष और ऋचा बाजार गई, है ना। तो ये आपका नहीं हो सकता है क्योंकि आयुष यहाँ पर पुल्लिंग है और ऋचा क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, है ना। तो आप कहेंगे इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, बच्चे ने कहा पापा आ गए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी नंबर है कि भैया राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उर्दू शब्द जो दिया है सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछे सौदा शब्द कैसा है तो आप कहेंगे सर ये तो आपका उर्दू शब्द से लिया गया है, और ये उर्दू शब्द का बहुवचन जो आपका होता है वो कौन सा हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो 52 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर दिया है सौदा का बहुवचन में क्या होता है, तो सौदा का क्या सौदा होता है या उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा कि सौदा का बहुवचन सौदा ही होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है। हट मतलब जैसे हम यहाँ पर एक शब्द लिख दें, यहाँ पर घबराहट क्या दिया है आपसे, अगर पूछे कि सर यहाँ पर घबराहट है, घबराहट, तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई, और जिसमें से आपकी हट आ जाए तो वो लिंग कौन सा होता है। तो आप कहेंगे घबराहट हो रही है ना, घबराहट हो रही है, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर स्त्रीलिंग आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कौन है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। जय महाकाल, गुड इवनिंग, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं 54 नंबर में, रात में विचरण करने वाला प्राणी, है ना। तो आप कहेंगे जाए तो आपका निशाकर नहीं होता है, निशाचर होता है। देखिएगा क्वेश्चन समझिए, निशाकर और यहाँ पर है निशाचर, मतलब ऑप्शन कौन बनेगा, डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका तत्सम नहीं है, कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। देखो डबल ला है अर्थात उल्लास दिया गया है, उच्छावास दिया गया है, निश्वास दिया है और उजास दिया गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि सर यहाँ पर आंसर डी जो दिया गया है ये आपका तत्सम नहीं है, है ना, आपका ये तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिए डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, यहाँ पर बताना है 56 नंबर में। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, यहाँ पर दिया गया है आपका तस्म नहीं है, प्रतीत है, प्रतीत, देखो यहाँ पर प्रा लगा है, यहाँ पर प्रा लगा है और यहाँ भी प्रा लगा है, अर्थात ये तीन तस्म हो गए। तो ऑप्शन बचा कौन सा, ए नंबर है, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ये क्लास अब आपकी डेली 8 बजे आपकी चलने लगी है, ना ये टाइमिंग आपका 8 बजे आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो नम का पर्यायवाची नहीं है, नम का पर्यायवाची नहीं शब्द देखो दिया गया नहीं। तो हमने कहा नम मतलब कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं गीला कह देते हैं, भीगा भी कह देते हैं, यहाँ पर आर्द्र भी कह देते हैं, लेकिन आर्द्रा नहीं होता है ना, आर्द्रा नहीं होता है, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिशंकु होना इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है कि भैया त्रिशंकु होना का अर्थ क्या होता है, त्रिशंकु, त्रिशंकु कहा जाता है क्या, चारों ओर ध्यान देना, किसी ओर का ना होना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देना है आपका बेस्ट आंसर इनमें से क्या बन सकता है, यहाँ पर देना है आपका आंसर, भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। चलिए त्रिशंकु होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा,
चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपके त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटका या बीच में लटका, मतलब याद रखिएगा इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, किसी और का ना होना। क्या? किसी और का ना होना। कहते हैं ना कि त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटका है या बीच में लटका है, ना इधर का है ना उधर का है। राम ने नौकरी पहले है ना, पहले वाली नौकरी छोड़ दी, अब उसे नई नौकरी भी नहीं मिल रही है, अब तो वो त्रिशंकु हो गया है अर्थात अधर में लटका हुआ है, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर आपके बीटीसी वाले हैं, बीएड वाले हैं, तो बीटीसी वालों को तो ठीक है, बीएड वाले तो बिल्कुल से बीच में लटक गए हैं कि अब करे तो क्या करे, ठीक है ना। तो आपका आंसर आपका बी हो गया। अगला है कि निम्न वाक्य में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। अब हमने कहा सर संयुक्त वाक्य की संयुक्त पहचान है और संयुक्त में होता क्या है, संयुक्त की जो अगर हम बात करें तो आपका आंसर संयुक्त में क्या हो जाएगा, तो संयुक्त में से होता है संयुक्त अर्थात यहाँ पर दो वाक्य होंगे, कौन कौन से होंगे, कह रहे ना तुम पढ़ोगे है ना, पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा, सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं, विद्या जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है, बताइएगा आपका आंसर क्या बन सकता है। यहाँ पर देखा जाए काफी लोगों ने प्रयास किया है संयुक्त में से, आपका आंसर में से क्या बनेगा, चलिए हाँ ना तुम पढ़ोगे और ना वह पढ़ेगा। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर संयुक्त, ना तुम पढ़ोगे और ना वह पढ़ेगा, है ना। अगर आप इसमें लगाएंगे तो इसमें की लगा है और ये की लगा है तो आपका ये तो मिश्र आपका हो गया है, ये तो आपका मिश्र हो गया, तो आप कहेंगे आंसर नंबर ए बनेगा, ना तुम पढ़ोगे और ना वह पढ़ेगा, एक कॉमा भी लगा है और कॉमा से ही पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये इसलिए या तो आपका और का स्थान लेता है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे अगला कह रहा है कि रिक्त स्थान आपको भरना है, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, अभिमान है या गर्व है, दर्प है, घमंड है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। देखिए 60 नंबर है और 60 की बात करते हैं तो आप कहेंगे हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, गर्व है। ऑप्शन अगर आपका बी बन रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, गर्व वाला ऑप्शन आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। देखिए वर्तमान काल के भेद में यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, हेतु हेतुमाद आपका दिया गया है। अब आप बताइएगा कि हेतु हेतु वर्तमान होता है क्या, याद रखिएगा जो हेतु हेतु होता है वो भूत में होता है, हेतु हेतु जो होता है वो आपके भविष्य में होता है, लेकिन आपके ये वर्तमान में आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तौलिया किस भाषा का शब्द है, बताना है जो तौलिया है वो किस भाषा का शब्द यहाँ पर देना है, तगाली है, हिंदी और उर्दू है। तौलिया की बात करते हैं तो ये पुर्तगाली भाषा से लाया गया है, पुर्तगाली आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और हमने कहा था कि पुर्तगाली में जैसे तौलिया है तो तौलिया लेते हैं कब, जब साबुन की बात होती है, है ना, साबुन लेके जाते हैं, साबुन लेके जाते हैं और बाल्टी लेके जाते हैं नहाने, तो साबुन हो गया, बाल्टी हो गया, कमरा हो गया, पुर्तगाली ये आपका हो गया, आपका आंसर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है आधा तीतर आधा बटेर श्लोकोक्ति का आपका अर्थ इनमें से क्या है, आधा तीतर आधा बटेर मतलब यहाँ पर आंसर आपका है क्या, तो आप कहेंगे आधा तीतर आधा बटेर मतलब होता है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएगा विराम चिन्ह के प्रयोग के दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, चलिए अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है, यहाँ पर जो आपका दिया गया है अशुद्ध कौन सा है, बस हो गया, रहने दीजिएगा, बस हो गया, यहाँ पर देखो यही है ना, यही से कॉमा लगा दिया है तो आप कहेंगे बस हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा रुकना जरूरी था, है ना, लेकिन ये कॉमा लगा कर ये गड़बड़ आपसे कर दिया है, आपका ए नंबर पे आपका गड़बड़ हो गया है। अगला दिया गया है फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, फूल कौन सी संज्ञा है, फूल, तो आप कहेंगे सर फूल की अगर बात करते तो भाव नहीं होगा, ना तो समूह होगा, ये होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि फूल वो गुलाब का भी हो सकता है और फूल आपको किसका, तो भैया और भी चीजों का हो सकता है, इसलिए आपका जाति में जाएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में सही वर्तनी का चुनाव करना है, यहाँ पर सही वर्तनी कर्तव्य निष्ठा होता है, यहाँ पर देखो कर्तव्य निष्ठा की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये तो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि कर्तव्य शब्द तो आपका निकलना चाहिए और कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो यही आपका सही लिखा है, देखिए ऑप्शन आपका हो गया
सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए वेलकम है भैया, वेलकम है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द है जो अनिवार्य का विपरीत आपका है। हमने कहा कि ये क्लास लेना अनिवार्य है, लेकिन आप कहते हैं सर मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो बाद में देख लूंगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वैकल्पिक, आपने ये वैकल्पिक हो जाएगा। अनिवार्य का होता है ऐच्छिक, ऐच्छिक को हम लोग बोलते हैं वैकल्पिक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्येष्ठ का तद्भव क्या होता है। देखो आधा सा है, इसका मतलब ये तत्सम है, और ज्येष्ठ का जो आपका तद्भव दिया गया है वो आपका होगा क्या। चलिए यहाँ पर देना है, आप कहेंगे सर ज्येष्ठ की अगर बात करते हैं तो तद्भव शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जेठ होता है, क्या होता है जेठ होता है, जेठ मतलब जो बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, जेठालाल। बहुत अच्छे, अगला बताइएगा कि निम्न से कौन सा अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुसुन। यहाँ पर देखिए आप आंसर क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए पानी दिया गया है और पानी के देखो तीन अर्थ, मोती भी है, मानुष है और चून दिया गया है। अब आप कहेंगे सर जब एक शब्द दिया हो और उसके कई अर्थ आपके निकलते हों तो वहां पर होता क्या है, आपका श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखेगा है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग हुआ है। अब अगर पूछे कि चिरायु है ना, यहाँ पर जो उपसर्ग आपका है वो आपका कौन है, चिर हो जाएगा या चीरा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 70 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर चिर शब्द आपका बनेगा और आयु निकल आएगा इसका मूल शब्द है ना, आयु जो निकलेगा इसका मूल शब्द निकलेगा। वैसे शुद्ध यहाँ पर देखा जाए तो आपका हल्का सा डैश लगा होना जरूरी होना चाहिए था, तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर आपका बनेगा। अगला बताइएगा अधोलिखित लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ इनमें से पूछा गया है। घड़ो पानी पड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, घड़ो पानी पड़ना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या बनेगा। गुस्सा होना ये तो नहीं होगा, पानी खत्म होना ये भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहाना कोई मतलब नहीं है, शर्मिंदा होना हो जाएगा। हाँ याद रखिए घड़ो पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से नील कमल शब्द का समास की किस श्रेणी में आता है। नील कमल देखो नीला है ना, और यहाँ पर आपका कमल है, नीला शब्द आपका विशेषण है, कमल क्या है विशेष है, और जिस भी समास में विशेष दिया हो और विशेषण दिया गया हो वह हमेशा कर्मधारय से इंगित करता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। चलिए यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया उच्चारण का सही संधि विच्छेद है क्या। चलिए देखो 73 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे उत्धन चारण, और उत्धन चारण कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है उत्धन चारण, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, उत्धन चारण आपका बनेगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है। संतान कैसी है, गुस्सा कैसा है, बचपन कैसा है, हीरा कैसा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो संतान शब्द जो आपकी है वो आपकी पुल्लिंग शब्द में आपका नहीं आएगा, आपका आंसर क्या बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है विकल्पों में से अकर्मक क्रिया का चयन करना है। क्या करना है आपको, अकर्मक क्रिया का चयन करना है, और अकर्मक क्रिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी कौन सी क्रिया है जो अकर्मक है। यहाँ पर दिया अकर्मक दिखाना, हटाना, हंसना और खुजलाना है ना, यहाँ पर दिया है खुजलाना, तो आंसर क्या बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 75 नंबर में खुजलाना, तो आप कहेंगे क्या खुजला रहे हैं, हाथ खुजला रहे हैं, पैर खुजला रहे हैं, कुड़ी खुजवा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हंसना, क्या हंसते हो, तो क्या हंसना, आप कहेंगे हंसना, रोना, सोना है ना, क्या हंसना, रोना, सोना, टहलना, ये सब आपकी होती है अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, जो आपका आंसर अगर आया है डी नंबर तो आपने सही चुना है यहाँ पर आंसर। अगला है तिरंगा शब्द में समास क्या है। तिरंगा शब्द में समास है और क्या समास है, तो आप कहेंगे सर तिरंगा शब्द ये तीन रंगों से बना है, अर्थात यहाँ पर आपका संख्यावाची हो गया है, और संख्यावाची आपका हुआ है तो आपका आंसर क्या जाएगा, द्विगु समास की जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा द्विगु समास। अगला देखो दिया गया है मूक दिया है, मूक, मूक का विलोम क्या होता है। मूक मतलब होता है कौन, जो बोलता नहीं है, है ना, कम बोलने वाला होता है, तो आप कहेंगे जो सब्जी कम बोलने वाला होता है ना, समय आने पर वही सबसे ज्यादा हल्ला भी मारता है,
तो मूक का हो जाएगा वाचाल। तो आप कहेंगे सर बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल और मूक मतलब समझ गए हैं, आपका आंसर बन गया डी नंबर। अगला है कि शब्द का अर्थ प्रेम आपका होता है, प्रेम दिया है आकर, आकर नहीं होता है, सुखद भी नहीं होता है, अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम होता है, अनुराग मतलब प्रेम, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पत्नी का पर्यायवाची क्या हो सकता है, पत्नी का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बताना है। तो देखो साधर्मणी आपका हो जाएगा, गृहिणी भी होता है, भार्या भी होता है, लेकिन तारणी नहीं होता है, ठीक है तारणी नहीं होता है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, तारणी नहीं होता है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा ठीक है ना। चलिए तारणी होता है तरणी, यहाँ पर इसका मात्रा हटा के तरणी आपके नौका का होता है, जो आपका नौका है ये आपका बन जाएगा। अगला देखो दिया गया है निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में आपका, सदैव बहुवचन और सदैव, सदैव एक वचन में होता है, अच्छा प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, दर्शन है, यहाँ पर प्राण है, यहाँ पर आंसू है, लेकिन जनता, याद रखिये आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो जनता है वो आपका हमेशा एक वचन में ही होता है, एक वचन में ही होता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। अगला है इनमें से कौन सा शब्द है जो कनक का पर्यायवाची नहीं है, कनक का पर्यायवाची नहीं है। देखो कनक को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, चलिए जवाब दीजिएगा, कनक का मतलब कंचन हो सकता है क्या, चलिए यहाँ पर देखो कंचन है, यहाँ पर धतूरा है, यहाँ पर स्वर्ण है, लेकिन जो प्रसून दिया गया है प्रसून, ये कनक का पर्यायवाची नहीं होता है, आप कहेंगे सरंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा। वह अगला क्वेश्चन दिया गया है उचित आपको विकल्प भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मैंने आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। अब आप बताइएगा कि रिक्त स्थान में क्या भरा जाए, मैंने प्रतिदृष्ट या मैंने समकक्ष, मैंने आंख सामने या प्रत्यक्ष। तो देखो आप कहेंगे सर आंखों के सामने, और आंखों के सामने का मतलब होता क्या है, आंखों के सामने इसका मतलब होता क्या है आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष, है ना, क्या होता है प्रत्यक्ष होता है, जो आपकी आंखों के सामने हो गया हो और आप उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, तो आप क्या भरेंगे यहाँ पर डी नंबर आप भर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो एक पुरलिंग आपका है, एक शब्द है जो आपका पुरलिंग है, कपड़ा कैसा है, हानी, नदी और टोपी, मिल गया होगा आंसर आप सभी को कि सर जो कपड़ा शब्द आपका दिया गया है ये आपके पुरलिंग है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है भीति शब्द का अर्थ क्या, भीति मतलब होता क्या है यहाँ पर बताइएगा, चलिए भीति की अगर हम बात कर लेते हैं तो भीत का मतलब होता क्या है, भीति का मतलब होता क्या है 84 नंबर में, चलिए भीति कहा जाता है किसे, डर को कहते हैं, हाँ यहाँ पर जो आंसर आपका गया है आपके भीत का अर्थ क्या होता है, दीवार होता है या डर होता है, यहाँ पर देखा जाए तो 84 नंबर का ऑप्शन भीत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दीवार होता है या डर होता है, तो डर आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अनुकूल का विलोम शब्द इनमें से क्या है, क्या दिया है सर, दिया है अनुकूल दिया गया है, और आप कहेंगे सर अनुकूल का विलोम क्या होता है, तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा प्रतिकूल बनेगा, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, तो ऑप्शन बन गया कौन यहाँ पर ए नंबर है आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सन्मार्ग में कौन सी संधि, दिया गया है सन्मार्ग में कौन सी संधि, तो आप कहेंगे सर सन्मार्ग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो आधा अक्षर दिया गया है, है ना, और जब आधा अक्षर दिया गया है कहीं न कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि सर यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है, चलिए चलिए सन्मार्ग में कौन सी संधि है आपसे पूछा गया है, शतधन मार्ग, यहाँ पर आंसर क्या है बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आधा तीतर आधा बटेर, ये तो अभी आपने पढ़ा था कि सर आधा तीतर और आधा बटेर, इसका मतलब होता है कि बेतुका मेल, है ना, शादी में शामिल होना, अलग अलग भीड़ इकट्ठा, तो हमने कहा था कि भैया आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल और बेढंगा, उसी को तो कहते हैं ना बेतुका, उसी को कहते हैं बेतुका, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाल फुलाना इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या है, गाल फुलाना इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या है ये बताना है, डींग मारना, लज्जित होना, रूठ जाना या चालबाज होना, आप कहेंगे सर गाल फुलाना मतलब रूठ जाना,
मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग बाल भुला लेते हैं है ना। यहाँ पर कुछ कहते हैं सर जी 3 बजे क्लास चलाओ, कोई कहता है 8 बजे क्लास चलाओ, कोई कहता है 11 बजे चलाओ, कोई कहता है 6 बजे चलाओ है ना। तो यह सबके मन का एक साथ तो हम नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लोग तो मुंह फुला लेते हैं। वही दिया है शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, बेफजूल ना बोलो, फजूल मत बोलो, फजूल बोलो बेफजूल मत बोलो। देखिए यहाँ पर आंसर आपका 89 में क्या सही किया जाए। चलिए बेफजूल दिया है और फजूल बोला ये तो कोई मतलब नहीं है है ना, और बेफजूल और मत दोनों चीज आपको दिया है ये भी आपका नहीं हो सकता है। आप कहेंगे सर बेफजूल दिया है तो आप कहेंगे सर फजूल मत बोलो, ऑप्शन आपका कौन है ये आपको हो जाएगा फजूल मत बोलो। बेफजूल मत बोलो मतलब फजूल मत बोलो, बेफजूल और मत दोनों एक साथ हो रहा है ये भी गड़बड़ होगा। हाँ ये नंबर हो जाएगा बेफजूल मत बोलो, क्योंकि फजूल तो ठीक है लेकिन फजूल के साथ मत लगा दिया है तो आपको मतलब वही हो गया ना इसमें से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर ये वाक्य कैसा है, ये जो चिन्ह है आपका है कैसा, ये जो चिन्ह है वो है कैसा। तो आप कहेंगे सर ये जो चिन्ह दिया गया है कहने के प्रश्नवाचक है तो बिल्कुल आसान हो गया है आपका, ए नंबर आपका आसान क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पौ 12 होना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है, पौ 12 होना इस मोहरे का अर्थ में से पूछा गया है। आपका आंसर दिया है पौ 12 होना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 91 नंबर दिया गया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौ 12 होना मतलब खूब लाभ होना, ऑप्शन सी हो जाएगा खूब लाभ होना, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर। अगला है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा ये आपको देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर आपका है कि संयुक्त वाक्य है, संदेह वाक्य है, मिश्रित वाक्य है और सरल वाक्य है। देखिए 92 का ऑप्शन क्या करेंगे, हमने कहा जैसा दिया है, जैसा वैसा यद्यप तद्यप है ना, ये जो वाक्य होते हैं मिश्र में होते हैं, किसमें आएगा मिश्र में, संयुक्त कहाँ से हो रहा है भाई, जैसा बोगे वैसा काटोगे तो ये अगर हम बोले तो ये अधूरा वाक्य नहीं है, यहाँ पर ये अधूरा वाक्य नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपको बनेगा कौन है, ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि भैया इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है। तो यहाँ पर जैसा वैसा यद्यप तद्यपि ये सब होते हैं किसमें, मिश्रित में होते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य की बात करते हैं, आपका आंसर इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा। तो यह को दिया है संप्राप्ति के कुल रह चुके हैं, संप्रति के कुलपति हैं, संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वो कुलपति रह चुके हैं। 93 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो संप्रति वे कुलपति हैं, ऑप्शन आपका बनेगा ये बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है उल्टे बांस बरेली को इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है, उल्टे बांस बरेली को इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से बताना है। चलिए 94 का ऑप्शन दीजिएगा, यहाँ पर गुस्सा होना नहीं है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा विपरीत कार्य करना, क्या करना विपरीत कार्य करना, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा विपरीत कार्य करना। अगला है निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होता है, कोयला का बहुवचन होता क्या है, कोयला का होता क्या है, तो कोयला का भैया कोयले होता है या कोयला, तो आप कहेंगे कोयला का कोयला ही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला का कोयला ही होता है। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तक में कौन सा विशेषण आपसे है, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा, चलिए पुस्तक में कौन सा विशेषण है, यहाँ पर अगर ई प्रत्यय लगा दिया जाए, पुस्तक में अगर ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो बन जाएगा पुस्तकीय, क्या बनेगा पुस्तकीय, तो ऑप्शन क्या बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में प्रेरार्थक क्रिया की है, किस वाक्य में प्रेरार्थक क्रिया दी गई है ये आपसे कह रहा है, और प्रेरार्थक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रेरार्थक लड़का बहुत पढ़ रहा है इसमें कोई मतलब नहीं है, आप बहुत ईमानदार हैं इसमें कोई नहीं है, मेरे घर की छत टपकती है इसमें नहीं है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा रहा है कटवा चुका है तो दूसरे से करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है दूसरे से करवा रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें कर्ता स्वयं न करे है ना, कर्ता स्वयं न करके दूसरे से करवाए उसे कहते हैं प्रेरार्थक क्रिया होती है। अगला है
कि संध्या और रात्रि के बीच का जो समय है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त आपका शब्द कौन है। संध्या रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे कहते क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो 98 में से तो भैया ये होता है गोधूली। क्या होता है? गोधूली होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला है कि अंतराल के समानार्थी शब्द के क्रमांक पर चिन्ह लगाना है। अंतराल, अंतराल का समानार्थी दिया गया है। और अगर अंतराल का समानार्थी की बात करें तो जिसका पता ना हो या बीता हुआ समय हो या बीच का समय। देखो बोलते ना अंतराल है ना, बोलते 6 या 7 के बीच के अंतराल, तो मतलब ये बीच का समय हो गया। आंसर आपका सी नंबर है। दिया है कि ज्ञा वर्ण का वर्णमाला में माना जाता है, तो ये जो ज्ञा होता है इसको बोलते हैं ज्या धन इया है ना। क्या बोलते हैं? ज्या धन इया बोलते हैं। ज्या धन जब इया आपका आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि दो व्यंजनों से मिलकर आपका बना हुआ है। ऑप्शन मतलब आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है काव्य क्षेत्र में, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है। चलिए यहाँ पर देना है कि काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि दी गई है वो किसको दी गई है, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या। चलिए जवाब भी देखिए आपका आ गया है। यहाँ पर ये जो आपके हरिवंश राय बच्चन है, हरिओध है क्या भाई? नहीं, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है और कह रहा है कि काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है। चलिए हाँ, यहाँ पर देखो दिया गया है आपकी हरिओध है, मैथिली शरण गुप्त है, हरिवंश राय बच्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी नारा है। मैथिली शरण गुप्त को कविराज शिरोमणि, देखो कविराज शिरोमणि जो होती है वो पद्माकर होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है प्रबंध शिरोमणि और प्रबंध शिरोमणि दिया है, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा भाई? चलिए पाखागा में गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? चलिए काखागा में गड़बड़ी हो रही है भाई। यहाँ पर आपका जो मैथिली शरणगुप्त है, आंसर आपको देना है आपका जो दिया गया है ऑप्शन कौन, बी वाला, मतलब ये खा जो आपका दिया है खा, ठीक है, खा जो आपका दिया गया है मैथिली शरणगुप्त वाला, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, खा वाला हो जाएगा है ना, बी वाला। आपने बोल रहे थे ना काखागा में कोई गड़बड़ी हो रही है, काखागा में गड़बड़ा रहे हैं, याद रखिये खा जो आपका इसे बी बोलेंगे, अर्थात ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी जो दिया गया है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है जो कामायनी है तो एक महाकाव्य है, कामायनी एक महाकाव्य है याद रखिएगा। और अगर पूछे इसमें सर्ग कितने हैं, 15 सर्ग, यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर कौन सी कृति है जो अस्तित्ववाद से प्रभावित है। चलिए बताना है कौन सी कृति है जो अस्तित्ववाद से प्रभावित है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जो मैला आंचल है, फणीश्वर नाथ रेणु की जो मैला आंचल दिया गया है ये अस्तित्ववाद से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। जो दिनकर जी हैं वो किस रस के कवि माने जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए वीर रस के कवि माने जाते हैं दिनकर, जो कि आधुनिक युग का श्रेष्ठ वीर रस का कवि मानते हैं। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, रचना किया, इस रचना का नाम है रक्त चंदन। क्या नाम है? रक्त चंदन नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्त चंदन आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी जी की मौलिक रचना आपकी है, बताइएगा कौन सी मैथिली शरणगुप्त जी की मौलिक रचना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो मौलिक रचना आपकी कौन सी है, यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए
मैथिली षड्गुप्त की मौलिक रचना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये जो कुणाल गीत है, कौन है कुणाल गीत है, वो आपकी मैथिली षड्गुप्त की एक मौलिक रचना है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। नए क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे है ना, आज के क्वेश्चन आप लोगों को नए क्वेश्चन भी आपको मिल रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए वीर गाथा काल का कवि नहीं है, यहाँ पर बताना है कि भैया वीर गाथा काल के कवि कौन से कवि नहीं है, यहाँ पर वीर गाथा काल के कौन से कवि नहीं। 108 नंबर दिया है और 108 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा चंद्रबरदाई है, नामदेव है, जगनिक है और मधुकर है, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो आपके नामदेव हैं, ये संत नामदेव जो आपके हैं, आपका आंसर बी वाला अर्थात खा जो आपका दिया है वो आपका आंसर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है मैथिली षड्गुप्त की पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत किस भाषा में रची गई है, यहाँ पर ये जो रचना है वो कौन सी भाषा में रचित की गई है, तो आपकी खड़ी बोली में रचित की गई है, खड़ी बोली ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार इनमें से कौन है। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो 110 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका आंसर आपका बनेगा प्रेमचंद हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला है प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान के रचयिता आपके कौन है, यहाँ पर जवाब देना है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 111 दिया गया है, इसका जवाब आपको देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है आपका जो सही आंसर होगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये क्लास आपकी क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।